हेलो दोस्तों, कैसे आए? होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों फिलहाल मैं आज निकल रहा हूँ इस वक्त एक बरई तरफ, तो सब जाएंगे आज। काफी नए नए जगह और काफी नए नए चीजें आज देखने को मिलेगा, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक करो, शेयर करो। तो हम मिलते हैं और हमारी लम्हा तैयार है। ये जैसे हमारे ये मोहल्ले में सलमान भाई के अब्बा हैं और ये उनके बेटे हैं, और बहुत कमीना है यकीन करें। ये देखिए कौन खजूरा है ये। ये बंदूक जो है ना बेटा, ये मार देंगे गोली तुम्हारे यहाँ पे। हाँ नहीं, और ये भाई हमारे ये हैं नौशाद भाई, इनसे मिलिए। कुछ कहना चाहेंगे नौशाद भाई? अरे कुछ कहिए यार, तुम शर्मा रहे तुम। नहीं, हम क्या ये देखो करें। नौशाद भाई कुछ शर्मा रहे यार, इनसे लगा कि लड़की है यार, तुम शर्माता। और ये देखिए यहाँ का बकरिया, देखे देखा दिया। तो आज सफर हमारा बहुत बेहतरीन होने वाला है इंशाल्लाह, और चलते हैं। तो हम निकलते हैं, हमारे धनु तैयार है, तो हम मिलते हैं। ओके रोड वाली तरफ, ये खैराती रोड है, तो वहाँ एक्चुअली को जाना है हॉस्पिटल। मैं आपको हॉस्पिटल दिखाता हूँ यहाँ का। ये भी जैसे देख सकते हैं यहाँ पर लाइन से, यहाँ पे मेडिकल है, इसलिए रेंट पे प्रतापगढ़ जाने का रास्ता ही है। और ये सरकारी हॉस्पिटल है, ये देखिए। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मैं सरकारी हॉस्पिटल के सामने आया हूँ, और ये जो है दवा लेने का जगह है। पर्चा लेके सभी खड़े हैं, और अंदर चलते हैं। यहाँ पर है वो इमरजेंसी में, शायद लगता है कुछ हो गया है उसको, दो पता नहीं किस आइडिया में, वो आइडिया नहीं। अंदर काफ़ी भीड़ है यार, यहाँ काफ़ी भीड़ है। और किस तरह इमरजेंसी में कहाँ है, यहाँ पे देख लिया और मिल लिया हमने अपने दोस्त से, और यहाँ से निकल रहे हैं। काफी भीड़ लगी रहती है यहाँ पे, लगे पास एरिया में कोई बड़ी हॉस्पिटल नहीं है, तो इसके लिए कुंडा सरकारी हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे भी आते हैं और फायदा भी करता है, ऐसा नहीं है। और क्या बोलते हैं, बढ़िया आराम मिल, सब मस्त है। बड़ी कहाँ इधर यार, मतलब कान में दर्द है ना। अच्छा अच्छा और ये देख सकते हैं यहाँ पर बहुत खूबसूरत मंदिर है। ये किसकी मंदिर है इतना समझ में नहीं आ रहा, संस्कृत में बहुत बारीक अक्षर में लिखा हुआ है। ये हनुमान जी है, और ये अत्ता नगर ये रास्ता चले जाता है। बहुत खूबसूरत मंदिर है ये, लेकिन और चलते हैं अंदर देखते हैं, रास्ता खराब है यार इस तरफ का। यहाँ पे इमाम बाड़ा और यहाँ मस्जिद है, काम चालू है इस मस्जिद का। और ये गली चली जाती है, पता नहीं किस तरह जाता है यहाँ अंदर, सर नहीं काम चालू है यहाँ पर। इस तरफ चलते हैं, देखते हैं। वालेकुम अस्सलाम, भाई मिल गया हमें, काफी अच्छा लगा इनसे मुलाकात करके। और चलते हैं भैया, चलो अभी डालेंगे ना। हाँ चले भैया, चलो अल्लाह। और ये जो
रास्ता निकलता है प्रतापगढ़ के लिए, रास्ता निकल जाता है। यहाँ से लेफ्ट मारेंगे तो चले जाएंगे प्रतापगढ़ के लिए, और यहाँ से राइट मारेंगे तो कुंडा जाएंगे। तो हमें पेट्रोल डालना है, फिर कुंडा जाएंगे, कुंडा से होते हुए निकल जाएंगे हम बरही। और अब आज उस गाँव में जाके देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, काफ़ी चीज़ें वहाँ पर देखेंगे। और जैसे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ का बरही 1 किलोमीटर बचा है यहाँ पे, मैं तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर चल कर आ गया हूँ राइड करते हुए। और ये जो रास्ता ले जाता है अंदर से ले जाता है, तो मैं इस रास्ते से ही जाऊँगा, आगे वाले रास्ते से ले जाता हूँ। बराई 5 पट्टी लगता है, 5 पट्टी में बराई बना हुआ है। ये रास्ते चलेंगे आज भी, यहाँ कितना खूबसूरत व्यू है यार, दूसरे से देख सकते हैं। मेरे हिसाब से लगता है कि इस क्षेत्र में ऐसा पंचायत भवन कहीं नहीं है, लगता है काफी खूबसूरत बनाया है। चलते हैं देखिए और आगे। माशाल्लाह देखें आप, इतना खूबसूरत मस्जिद है। और ये तालाब है, काफ़ी बड़ा तालाब है, जैसा कि देख सकते हैं आप, काफ़ी बड़ा तालाब है यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत खूबसूरत मस्जिद है, और मीनार देखिए माशाल्लाह, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। चलो आया तो सही, काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है। ये मुर्गा है देसी, देखिए मेन गेट तो वही था, ये पिछला हिस्सा है हम लोग। ये रास्ता सही रास्ता है, पता नहीं किस तरफ जाता है, मुझे आइडिया नहीं। अरे बस निकलते जा रहा हूँ, इस तरफ कोई ज़्यादा आइडिया नहीं मुझे। यहाँ एक चौक है गांव में, हर गांव में तुमको चौक मिलेगा, राजेदारी यहाँ पर होती है धूमधाम से माशाल्लाह। ये रास्ता पे यार ख़त्म हो जाता है, क्या अच्छे लोग। ओ गाड़ी थोड़ी खतरनाक रास्ता, और यहाँ पे एक दरगाह है, आइडिया नहीं इनका दरगाह है। रास्ता इधर का है कि नहीं, रास्ता नहीं है दादा, इस तरफ है, मगरमच्छ चला चले गया लगता है यार। ये रास्ता है, आईडिया नहीं चौक है, सॉरी दरगाह नहीं है, सॉरी यार दरगाह नहीं है कुछ लगता है। यहाँ पर भी एक मस्जिद है, यहाँ पर भी एक चौक है, रास्ता चल जाता है हाइट चले। और यहाँ की मस्जिद ये देखिए कितनी खूबसूरत मस्जिद है, और ये रास्ता चल जाता है रोड पे निकलने के लिए, हम रोड पे नहीं जाएंगे, हम मंदिर से जाएंगे। और इस तरफ आएंगे, इस तरफ चलते देखते अंदर साइड। और जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर एक और मस्जिद है माशाल्लाह, ये देखिए हमें तकरीबन अभी 3 मस्जिद मिल चुकी है, खूबसूरत है। चलते अंदर साइड देखते हैं, सिर्फ वहां रास्ता लेके जाता है हमें,
काफी अच्छा लग रहा है गांव घूमते हो यार, रास्ता देखिए। यहाँ रास्ता बंद हो गया यार, ये रास्ता हमको लगता है आगे से पूरा कीचड़ है, बड़ा खराब रास्ता है यहाँ से यार। रास्ता नहीं है अंदर जाने का आपा? ऐसी गाड़ी फंस जाएगी ना आगे, कीचड़ है बहुत ज्यादा। हाँ वापस ले लेता गाड़ी ज्यादा ठीक। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल पूरा रास्ता खराब है, गाड़ी अंदर यहाँ तो चलो ठीक है बल्कि आगे और पूरा कीचड़ है, तो आगे जाना मुनासिब नहीं है, नहीं तो फंस जाएगी हमारी गाड़ी और कीचड़ पैर में लग चुका है। तो यहाँ ना खैर गाड़ी स्लिप हो रही है, वापस चल रहे हैं यार। अरे माय, रोड पे निकलने रास्ता इस तरफ से, रोड पे जाने का रास्ता इस तरफ आगे से। मस्जिद यहाँ पर भी है माशाल्लाह, ये देखिए इस तरफ आए तो हम वो इस तरफ भी एक मस्जिद मिल गई, कितनी खूबसूरत मस्जिद ये भी है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा लगा यहाँ पर, चलते हैं देखते हैं अंदर साइड। बस रास्ता ले लेते हैं यूटर्न क्योंकि रास्ता नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर बहुत पुराने पुराना मकान है वो देखिए, लेकिन ताला लगा हुआ है और ये नया मकान है यहाँ पर बना हुआ, इस तरफ तालाब है। जबरदस्त कुआं है, चले देखते हैं कौन सी गली जाती है, पता नहीं रास्ता है कि नहीं है, है शायद है। बस गिर जाएगी बेटा देखते, अरे यार रास्ता ही खत्म है, मैं तो भटक जा रहा बार बार यार, इससे बिल्कुल रास्ता नहीं है। हाँ ये जैसे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे रास्ता नहीं है, मुझे मैं अंदर आ गया हूँ, मैं भटक गया हूँ बिल्कुल, मुझे रोड पे जाना है, रोड पे जाना, रोड पे ये वाले रोड पे, लखनऊ वाले, लखनऊ वाले रोड पे। मैं बिल्कुल भटक चुका हूँ रास्ते को, अंदाजा नहीं है मैं किस रास्ते जा रहा हूँ, जिस तरफ से आया था उस तरफ से मालूम है, लेकिन ये रास्ते कहाँ निकलता है इतना आइडिया नहीं मुझे। ये तो ईदगाह की तरफ से आ रहा है यार, सामने ईदगाह है, मैं उस तरफ आ गया हूँ, बिल्कुल लगता है गाड़ी उठा लेना पड़ेगा, यहाँ की ईदगाह है ये देखिए, उठा ले लेते हैं।
इस वाले रास्ते पे हम यहीं से निकलेंगे, उस वाले रास्ते से निकल गए थे। और जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं कितना खूबसूरत गांव है, और गांव घूमकर काफ़ी अच्छा लगा। गांव घूमकर गांव की यादें ताज़ा हो गई। और जब तक का मैंने आप लोगों को चार पांच मस्जिद दिखाया मैंने, अभी एक मस्जिद और है राइट साइड में शायद दिख रही है मुझे, मीनार दिखा, मैं उस तरफ लेके चलता हूँ। इस तरफ चलेंगे देखकर, वो देखिए वहाँ पर एक खूबसूरत मस्जिद मीनार दिख रहा है, लेकिन रास्ता उधर से मुझे आइडिया नहीं और ये रास्ता कहाँ जाता है। मैं आया हूँ तकरीबन एक दो बार आया, कि इतना मालूम नहीं है यहाँ के बारे में, क्योंकि ज़रा भी इतना लंबा इतना राउंड नहीं मारा पूरा गांव, ना इतना घूमा मैं इस गांव में पूरा। इस वाले रास्ते से निकलेंगे, डेंजर रास्ता, अरे भी अल्लाम। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर गांव में आप लोग को दिखाया, अभी बाहर निकल रहा गांव के, और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं। मैं आप जैसे आप लोगों ने देखा यहाँ पे चार पांच मस्जिदें माशाल्लाह बहुत खूबसूरत खूबसूरत है, और यहाँ पे एक मदरसा है, मतलब बच्चे जहाँ पढ़ते हैं दूर दूर के आते हैं यहाँ पे मदरसा है। और जैसा कि दोस्तों हम निकल चुके हैं, ये देखिए बड़ाई के बाहर, और ये हम आ चुके हैं जो सामने है महफिल खाना है। और किस तरह जाए अभी, कुंडा के रास्ते से आता है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा यहाँ का वीडियो, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो हम मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, ओके, और नए प्लेस और नए कंटेंट के साथ। बाय।